बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर और आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको ताजा नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए नए डालते हैं बड़ी खबर पर। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले के मंदिर खोले जाने व विद्युत व्यवस्था के संबंध में उनसे बात कही गई। 2 महीने बंद रहे मार्केट को लेकर लॉकडाउन के चलते जो दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उसके लिए विधायक राहुल सिंह के द्वारा कहना है कि जब तक उपभोक्ता स्वयं बिजली का बिल ना भरे, तब तक उनके कनेक्शन नहीं काटे जाने चाहिए और हो सके तो उनका बिजली का बिल माफ भी किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं इसके लिए उग्र आंदोलन करूँगा। सबसे पहले तो मुख्य मुद्दा ये है हमारा कि ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, और पिछले 2 माह से कोरोना की इस आपदा में 60-65 दिन हो गए हैं, और पूरे व्यापारियों की दुकान, आम जन, मध्यम वर्ग के लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, मनमाने तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं। किसी के 3,000 आ रहे हैं, किसी के 4,000 आ रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों में भी बिजली विभाग के लोग जाके आम मानवीय तरीके से जाके पूरे गांव की बिजली के बिल काट रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया कोरोना की इस चपेट में है, तो मानवीय दृष्टिकोण कौन से हमें ये देखना चाहिए कि जब धंधे चले नहीं, खेती के काम हुए नहीं, तो किसान, आम जनमानस, मध्यम वर्ग का आदमी कैसे बिजली के बिल भरेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब ये खरीद फरोख की सरकार नहीं बनी तो इसके पहले कहते थे कि यदि मनमाने बिल आए और इतने से ही मीटर रीडिंग से ज़्यादा के बिल आए तो मैं स्वयं बिजली के बिल जलाऊंगा और मध्य प्रदेश में किसी को बिजली के बिल भरने नहीं देंगे। और आज जब उनकी सरकार आई तो दोहरे मापदंड की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा होंगे तो भरने नहीं देंगे, और आज जब सरकार आई तो एक आम आदमी पर इतनी मार पड़ रही। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये जो अघोषित बिजली की कटौती, मनमाने बिना रीडिंग, मीटर रीडिंग के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, यदि इसमें रोकथाम नहीं की गई और बिना पूछे दमोह जिले के किसी भी उपभोक्ता का अगर कनेक्शन काटा, तो मैं स्वतः राहुल सिंह जाकर उस कनेक्शन को जोड़ूंगा और जन आंदोलन खड़ा करूंगा। इस विपत्ति के समय 20,00,000 करोड़ का यदि पैकेज माननीय मोदी जी ने दिया है, तो उस 20,00,000 करोड़ के पैकेज में बिजली, पिछले 2 महीने की बिजली फ्री करने की व्यवस्था करें। और मैं पुनः कहता हूं कि किसी भी प्रकार की यदि बिजली विभाग के द्वारा मनमानी होती है तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, और इसका जिम्मेदार वर्तमान मुख्यमंत्री और यहां का शासन और प्रशासन रहेगा। सिंह जी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर जी, सभी पार्षदगण और हमारे संगठन के प्रभारी सतीश जैन जी के द्वारा आज एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य मांग है ये है कि जो बिजली की कटौती हो रही है, हम लोग देखते हैं कि मोहल्लों में आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक पे जब चालू करते हैं तो पता चलता है आज इस मोहल्ले की लाइट गोल है, उस मोहल्ले की लाइट गोल है, और दोपहर में इस भरी धूप में जबकि नौतपा चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो जैसा भाई यशपाल ठाकुर ने कहा कि हम लोग डी साहब से और कलेक्टर साहब से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो 7 बजे से 12 बजे तक करिए, और अगर आप जो बिजली के बिल दे रहे हैं, जिन व्यापारियों ने दो महीने तक दुकान नहीं खोली अपनी, लॉकडाउन में बंद रही, ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई नहीं चल रही, केवल घरेलू बिजली चल रही है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र की भी कई गांव की लाइट काट दी गई है, तो इन व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा अपने उद्बोधन में पहले कहा था जब वो सरकार में नहीं थे कि भाई हम लोगों की लाइट कटने नहीं देंगे, तो अब जब सरकार में है तो लाइट नहीं कटना चाहिए और लोगों को इस भरी गर्मी में सुविधा मिलना चाहिए। और जैसा अभी हमारे विधायक जी ने कहा है कि अगर बिना हमारे जनप्रतिनिधियों की सूचना के अगर किसी गाँव की या शहरी क्षेत्र की लाइट काटी जाती है तो कांग्रेस पार्टी उसके संबंध में एक बड़ा आंदोलन भी करे। बॉय लंदन मेंस वेयर दमोह शहर में पहली बार क्वालिटी से भरपूर। जीन्स ट्राउजर मात्र 500 रुपए, शर्ट 400 रुपए में उपलब्ध। साथ ही उपलब्ध टी शर्ट, लोवर की ढेर सारी वैरायटी, वो भी किफायती दामों में। हमारा पता न्यू पूंदाबहू कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, दमोह।